वो जो आप लोग कहते हो ना कि मुकेश फ्रेम में आपका पेट बहुत दिखता है, वो इस वजह से दिखता है, वो आज खुलासा होने वाला है। इस वजह से, मेरी वजह से दिखता है मेरे में। दिस जो फूड आज हम एक्सप्लोर करने वाले, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। आप एम्बियंस देखकर सोच में पड़ गए हैं कि कहाँ आ गए हैं, क्या हो गया है, तो हम कहाँ आए हैं और किसके साथ आए हैं ये खुद आज के हमारे गेस्ट बताने वाले हैं, वन नन अदर देन अविनेश रेखी जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर। थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू। पहले तो बताइए ये आप कहाँ आए हो और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। वो जो आप लोग कहते हो ना कि मुकेश फ्रेम में आपका पेट बहुत दिखता है, वो इस वजह से दिखता है, वो आज खुलासा होने वाला है। इस वजह से, मेरी वजह से दिखता है मेरे में। दिस जो फूड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो बेसिकली हम आए हैं अमृतसर के एक बहुत ही फेमस कुलचा जॉइंट में, विच इज़ कॉल्ड द करतार अमृतसरी कुलचा। और यहाँ के कुलचे बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। वैसे तो पूरे अमृतसर का खाना ही बहुत टेस्टी होता है, बट दिस इज़ अ स्पेशलिटी क्योंकि इनके कुलचे में कुछ डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाट क्रिएटिविटी दे पुट एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्लेवर्स दे पुट, बट कुछ अलग स्वाद होता है और वही आज हम ट्राई करेंगे। With all thanks to Mukesh. देखो एक बात जानना है। देखो हम क्या करते हैं ना, हम जब कोई ऐसा स्ट्रीट फूड खा लेते हैं या ऐसा कुछ खाते हैं ना, सो फिर वो ना हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी पर दिखता है। पर ये जिन्होंने इंडस्ट्री को इतना साल दे दिया है और आज भी ये 25-26 साल के ही लगते हैं, कैसे आफ्टर हैविंग ऑल दिस थिंग्स? नो नो प्लीज डोंट मिसगाइड देम, आई डोंट हैव ऑल दीस थिंग्स, आई यूज्ड टू हैव कभी कभी तो बीइंग अ पंजाबी, ऑब्वियसली यार, वंस इन अ व्हाइल इफ यू स्टार्ट हैविंग ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम पंजाब, सो यू नो आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप हैविंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब पराठे, वट एवर इज मेड इन पंजाब। पंजाब हैज़ अ वेरी रिच कल्चर, पंजाब हैज़ अ वेरी रिच कल्चर ऑफ फूड एज वेल। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं, राइट फ्रॉम यू नो पराठे टू राजमा चावल टू कड़ी चावल टू एवरी थिंग, तो वो बचपन से खाया है। बट नाउ इट्स बिन टाइम, अब तो बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बट जब भी मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो वहाँ जाके मैं डेफिनेटली आई मेक श्योर कि मैं अपने मम्मी का हाथ का खाना खाऊँ, और तब उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। पंजाब में रह के ये सब खाते हो ना, देन देयर इज अ डिफरेंट ग्लो विच कम्स टू योर फेस, बिकॉज द वेदर हेल्प्स, द फूड हेल्प्स, all these things when they accumulate and help you in making you look very good, so that is also a very beautiful thing about Punjab. Well dekho Punjab Amritsar Chandigarh ki kaseede to hum padhte hi rahenge, par filhal jis cheez ke liye hum aaye hain wo karte hain. I really want, kyunki main to yahan ka hoon na to mujhe nahi pata, lekin aapko pata hoga yahan kya famous hai, kya best hai, so please order place karte hain aur pehle khate hain aur uske baad baatcheet karenge. अमृतसरी कुलचे होंगे आपके पास? बिल्कुल। तो कौन कौन से हैं? आलू प्याज है, आलू गोभी प्याज है, पनीर प्याज है, आलू गोभी प्याज पनीर महाराजा कुलचा है। अच्छा, तो आप एक तो आलू प्याज ले आओ और एक मिक्स ले आओ, आलू पनीर प्याज महाराजा कुलचे। अच्छा चलो, एक और जब तक वो फूड आ रहा है, एक जो बेसिक क्वेश्चन है, पंजाब नॉर्थ के तरफ के जो लड़के होते हैं है ना, वो ना हाँ ऐसे ही होते हैं, धाकड़ होते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये कॉलेज में थे, यहाँ पर अपने टीनेज में थे, तो ये डेट पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को कहाँ ले जाया करते थे, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, बिकॉज द शो इज़ ऑल अबाउट एक कुड़ी पंजाब की, तो वो पंजाब के एक कुड़ी द शो, मतलब मैं अगर अपने किरदार के बारे में बात करूँ ना, सो दैट यू कैन रिलेट टू द यू नो द यंगस्टर्स ऑफ पंजाब, बिकॉज दे आर लाइक दिस गबरू जवान जट एकदम, यू नो देयर स्टाइल ऑफ लुकिंग एंड एवरीथिंग, if they are very traditional and very theat, so they will be you know dressed up nicely like in a good kurta pajama and punjabi jutti, and they'll be wearing like this big kadas and matlab some chains or anything, aur pagdi pehen ke ekdam gabru jawan bat ke bullet mein jayenge, so that I can relate myself to the character which I'm playing, which is Ranja, ek kudi punjabi. But as far as the show is concerned, this show has a lot of ups and downs, the show has a lot of mystery element to it, and also this show represent the other side of the culture of Punjab, जो कि आज तक हमने हिंदी सिनेमा में, टी वी में कभी भी नहीं दिखाया. So it will be a total new aspect towards Punjab and a two new perception
from the culture of Punjab. So it'll be beautiful. You'll see all the fields, everything. Matlab ekdam jaga maga Punjab, and then you will see the dark side also of Punjab. नहीं ये सारी बातें तो जानकर मुझे ऐसा लगा कि जो शो आ रहा है ना वो फुल पैकेज के साथ आ रहा है. इसने बोला था कि टू अ रोमांटिक एंगल, ओके, हां या कि अगर मेरी जो हीर है, हाँ जी, वो अगर जब भी मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उसे एक ऐसी जगह पे लेकर जाऊँ जहाँ पे सिंप्लिसिटी हो, सादगी हो, और जहाँ पर हमारा जो पंजाब है उसका कल्चर प्रॉपरली डिफाइन हो. क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें उससे भी एक्सपेक्ट करता हूँ. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ हीर से कि वो भी उतनी सिंपल हो, उतनी ग्राउंडेड हो, उसमें उतनी सादगी हो और वो पंजाब को रिप्रेजेंट करें. हमने जितना आप बारे में पढ़ा था, हमने ये जाना कि बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद आपने शादी की, तो उस दौरान लाइक 5-6-7 साल जो भी था, कहाँ डेट करते थे आप? कौन सा इलाका हुआ करता था? इट वाज अ स्ट्रीट फूड या प्रॉपर आप होटल डाइन वगैरह आपको प्रेफर कर चुका यार उस टाइम पे? तो मैं तो बात कर रहा हूँ जब प्यार, मतलब प्यार की डेफिनेशन ही डिफरेंट थी. क्या ये बचपन का प्यार था? नहीं, तभी होते थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आजकल नहीं होते हैं. आजकल लोगों ने, क्योंकि तभी वीरजारा बनती थी और तभी ये फिल्में भी बनती थी और तभी उसी हिसाब से ऐसे प्यार भी होते थे. आजकल नहीं होते हैं. आजकल जैसी फिल्में बनती हैं वैसी प्यार होते हैं. मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था मेरी वाइफ के साथ और वो दिल्ली में थी, मैं चंडीगढ़ में था. तो जब भी मैं कभी दिल्ली जाता था तब मैं उनसे जाके मिलता था उधर, और तब हम क्लब्स भी जाते थे और तब हम ढाबे भी जाते थे खाना खाने, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है जैसे कि लोगों को पता है. और वहाँ पर भी वहाँ का बटर चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है. तो हम एक, मतलब साकेत करके एक जगह है दिल्ली के अंदर, साकेत में ना पीवीआर था, पीवीआर नहीं, प्रियाज, अच्छा, प्रियाज सा मॉल, उसके वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, छोटा सा, उसके पास मतलब आई थिंक पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट बटर चिकन मिलता है. तो वहाँ पर भी एक ऐसे ही सेटअप है, बस इससे भी छोटा है. तो वहाँ जाके हम बटर चिकन खाते थे और डिफरेंट डिफरेंट यार, एज अ यंगस्टर तो यू कैन जस्ट यू नो कहीं भी तुम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, उनके रंगों में घुल जाते हो, वैसे ही बन जाते हो. जैसे आपने कहा कि आप रंगों में घुल जाते हो, आफ्टर डूइंग सो मच शोज ऑन टेलीविजन, आफ्टर बीइंग सो पॉपुलर, जब कभी आप ऐसे जगह आते, मैं जानबूझ के मैंने ये जगह चुनी, आई वॉन्टेड टू सी, कि हर बार ना वो एक होता है ना कि एक प्राइवेट स्पेस हो, एक सब कुछ हो, पर बाकियों के साथ ग्राउंडेड रहकर खाने का जो मज़ा होता है ना, कि यहाँ की भी चिट चैट सुनाई दे रही है, वहाँ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झगड़े सुनाई दे रहे हैं कि अच्छा 2 महीने बाद शादी करेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे. ये ऐसी चीज़ें ना आपको ग्राउंडेड रखती हैं. आपको ये एहसास दिलाती है कि आप यहीं से ही ऊपर गए हो. करेक्ट. आप यहीं थे और यहीं से ही वहाँ पहुँचे हो, तो अगर यहाँ पर आने में आपको कोई बुराई तो दिखनी नहीं चाहिए. तो आई थिंक मैं आई हैव ऑलवेज स्टक टू माई रूट्स. मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि विद बाबा जी इज ग्रेट, विद गॉड्स ग्रेस, मैंने चाहे ऑब्वियसली नाम बनाया है बट अभी भी लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से पहले देखते थे, और मैंने अपना वही नज़रिया लोगों के लिए भी रखा है अभी तक, कि मैं जैसा था मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ. अगर अभी मेरा दोस्त या फिर मैं किसी को भी, किसी के पास भी जाता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे जिम का जो ट्रेनर था, आज भी मैं उससे उसी तरह से मिलता हूँ जिस तरह से पहले मिलता था चंडीगढ़, जब भी मैं जाता था वहाँ पर. जो हमारे मोबाइल के कवर बेचते होते थे उस टाइम पे, और सीडीज आती थी तब, सीडीज बर्न करवाते थे, मतलब कैसी सीडीज, सीडीज रिकॉर्ड करवाते थे, MP3 सीडीज. अच्छा, पहुँच गए थे मैं वो जो मुंबई में हम करते हैं सीडी वाली चीज़. अच्छा नहीं, तो MP3 सीडीज रिकॉर्ड वगैरह कराते थे ना, तो उनके पास आज भी मैं जाता हूँ तो इट्स द सेम थिंग. वो मुझे सेम तरह से जैसे ही बुलाते हैं, मैं भी उनसे सेम तरीके से बात करता हूँ. तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, आप जैसे हो आप फिर वो वैसे ही लोगों को दिखाई दोगे जैसे आप अपने आप को रखोगे. जब आप यहाँ थे, अब मोस्टली मुंबई रहते हो है ना, और वहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की लाइफस्टाइल, तो जब यहाँ आते हो तो कितना सुकून और कितना ज़्यादा वो कहते हैं ना सिक्योर फील करते हो कि भाई ये मेरी धरती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बॉम्बे ने मुझे मेरी सेकंड हाफ ऑफ माय लाइफ दिया है ऑब्वियसली, यू नो, मुझे पाल पोस के जो बड़ा किया ऑब्वियसली वहाँ पर, वो मैं चंडीगढ़ में था बट बॉम्बे हैज़ गिवन, बॉम्बे इज़ माई सेकेंड होम यार. सो बॉम्बे में मुझे बहुत कुछ मिला, तो सुकून को उधर भी है बिकॉज माई फैमिली इज़ देयर एज़ वेल.
बट हाँ माई पेरेंट्स आर इन चंडीगढ़, माई रूट्स आर इन चंडीगढ़, तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक कम्फर्ट तो ऑब्वियसली मिलता है ना, बट देर इज़ समथिंग दैट इफ़ आई वॉन्ट टू फॉलो बैक अपॉन समथिंग आई हैव अ प्लेस टू बी, तो वो सुकून मुझे यहाँ पर मिलता है, वो सिक्योरिटी मिलती है ऑब्वियसली यहाँ पर, बिकॉज यहाँ मेरा बचपन बीता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो बचपन के दोस्त होते हैं, जो बचपन का सर्कल होता है वो आपका अलग ही होता है, वो अलग ही चीज़ होती है, वो आपको बड़े होके वो वाली प्यार नहीं मिलती है, बड़े होके फिर भी चीज़ों में जब आप काम की जगह पे होते हो आपको फिर भी कुछ हर जगह पे मतलब भी होता है उस चीज़ के अंदर, बट पूरा 100% प्यार नहीं होता है, कुछ मतलब तो होता ही है ना, तो वो वाली चीज़ 100% अगर प्यार और वो चीज़ मुझे चाहिए पूरी सिक्योरिटी, तो वो मुझे मेरी जगह चंडीगढ़ में ऑब्वियसली मिलती है। As you said कि बचपन में रिश्ते बदल जाते हैं और फिर बड़े होने होते वो बड़े होकर रिश्ते बदल जाते हैं, तो वही रिश्ते रहते हैं, सेम रहते हैं और फिर बड़े होते हैं तो बदलते हैं। काम की जगह पे जाते हो तो काम में आपके वो वाले रिश्ते नहीं बन पाते हैं जो आपके बचपन में बने होते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना बचपन का दोस्त होता है। तो आज भी कोई वो ऐसा दोस्त है जो आपने जिसके साथ आपने कॉलेज में फुल मटरगस्तियाँ की हो, बुलेट पे यहाँ भी जाते हैं बुलेट और ओपन जीप, या वो सिर्फ डीयू में ही होता है? नहीं, वो चंडीगढ़ में यहाँ भी होता होगा, बट मुझे अमृतसर के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्टली दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल, या फिर अटारी बॉर्डर, या फिर ये सारी चीज़ देखने ही आते थे जब भी घूमने आते थे यहाँ पर, तो वहाँ पर तो हमारे बहुत होता है। चंडीगढ़ में तो गेड़ी रूट है, कितना कुछ है, तो वहाँ पर ओपन जीप्स भी होती हैं। तो पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है मोगा, तो वहाँ पर जीप बनाई जाती है, मतलब दे असेंबल जीप्स लिटरली, जस्ट लाइक सेम एज रैंगलर, वो लोग देसी जीप्स बनाते हैं वहाँ पर, तो कितने सारे लोग पंजाब में वही देसी जीप्स चलाते हैं। तो वहाँ पर भी हमारे, मैंने तो नहीं रखी थी बट मेरे दोस्तों ने रखी हुई थी उस टाइम पर, मेरे पास बुलेट थी तो हम बुलेट्स में गेड़ियाँ मारते थे, वो लोग जीप्स में मारते थे, कभी हम उनके साथ जीप में बैठ के मारते थे, तो ऐसे ऐसे। कभी ऐसा मौका आया है जहाँ पर आप शरारतें इतनी बढ़ गई कि आपको लगा भाई अब तो ख़त्म, अब पप्पा तक बात जानी है और फिर बाबूजी ने जो करना है वो करना है, कभी वो खौफ? तो जिसने नहीं किया उसने मतलब कुछ भी नहीं किया ना। अच्छा। शरारतें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। मैं तो कॉलेज में भी जब हम कभी बंक मारते थे ना, वो जो क्लास बंक होता है, तो उसमें जिन बच्चों ने बंक नहीं मारा था ना उस टाइम पे भी मास बंक में, जैसे पूरी क्लास ही बंक पे चली गई है, तो प्रोफेसर आके सोच रहा है कि यार कहाँ गए ये लोग। तो वहाँ पर 3-4 होते हैं जो बीच में वो कल्प्रेट्स होते हैं, जो कि बोलते नहीं हम पढ़ेंगे हम बैठेंगे, तो वो आज जब मिलते हैं ना तो उनको इतना गिल्ट महसूस होता है ना उस बात का कि यार हमारे पास स्टोरीज नहीं है कोई कहने के लिए, तो हमारे पास वो स्टोरीज हैं, बिकॉज दैट्स हाउ यू क्रिएट स्टोरीज, तो ये भी दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो शरारत भी एक इमोशन है यार लाइफ का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वो नहीं करोगे ना तो अपने वो नटखटपन जैसे कृष्ण भगवान में, तो वो चीज़ आएगी नहीं, तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। आपने इतने सारे शोज किए हैं और हर शो में ना आपने ऑलमोस्ट रोमांस किया है अगर मैं बोलूँ तो, और अलग अलग खूबसूरत बेहतरीन टेलीविज़न अदाकाराएँ थे, लेकिन आपके निजी ज़िंदगी के रोमांस की कहानी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। When was that first time जब आपको हिट हुआ कि नहीं शी इज़ गोइंग टू बी माई बेटर हाफ, और कैसे प्रपोज हुआ और बात शादी तक कैसे पहुंची? तो ऐसे फर्स्ट साइड लव तो था ही ऑब्वियसली, बट वो वाला फर्स्ट साइड लव उस टाइम पे फर्स्ट साइड लव बना नहीं था। दो इवेंचुअली शी इज़ ओनली बिकम माई वाइफ, बट वो जो पहले प्यार हमें हुआ था फर्स्ट व्हेन आई मेट हर इन लुधियाना फॉर अ मैरिज, हम एक हमारे एक कॉमन रिलेटिव से उनकी हम शादी पे गए थे, तो वहाँ पर हम मिले थे, तो उस टाइम पे उन्होंने उनसे मेरे को देख के तो ऑब्वियसली फर्स्ट साइड लव ही था वो, बट आफ्टर अ स्पैन ऑफ 1-1.5 years बिकॉज शी यूज़ टू लिव इन दिल्ली और मैं चंडीगढ़ में था, और मैं सिर्फ 15 साल का था, वो 13 साल की थी, तो जब हम पहली बार मिले थे तो हम 1-2 साल तक तो हमने ऐसे बातें की थी कभी फ़ोन पे, यू नो छुप के बात कर ली, तब PCO STDs होते थे, तब मोबाइल तो था नहीं, तो PCO से फ़ोन कर लिया, STD से फ़ोन कर लिया, क्योंकि दिल्ली में कॉल करनी थी ना, तो बट वो फिर 2 साल तक रहा नहीं क्योंकि इतना कंटिन्यूटी कौन बरकरार रखे ना, तब तो कमाई भी नहीं होती थी इतनी, क्योंकि पैसे तो कमाने नहीं है, वो तो जो भी मिलने हैं उसमें से ही गुजारा करना है। फिर उसके बाद फिर बीच में छूट गया, सीजनल रिलेशनशिप थी, फिर वो सीजनल रिलेशनशिप बनी थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में दोबारा गया तो फिर कॉलेज में मेरे पास गाड़ी बाड़ी आई, तो फिर हम एक बार फिर दोबारा से मिले ऐसी किसी की शादी पे, तो वहाँ पर भी वो आई हुई थी, तो फिर वहाँ से फिर बात दोबारा बनी,
फिर बड़ी और फिर तो बढ़ती गई। अच्छा इतने शोज किए, विच एक्ट्रेस वॉज योर फेवरेट? अगर मैं पूछूँ तो अंजलि भी थी आपके साथ, यू नो, फिर चाहे रिया शर्मा हो, सब बहुत प्रोफेशनल थी और सब ने अपनी बहुत ऑब्वियसली दे डिड देयर बेस्ट टू यू नो गिव अ गुड पोजिशन टू द शो एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब यही चाहते हैं कि हमारा शो अच्छा क्लिक करे एंड एवरी वन वॉज डूइंग देयर बेस्ट। और ये मीडियम ही ऐसा है जो कि बहुत ही हार्डवर्क मांगता है। टीवी इज़ अ मीडियम वेर यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, यू नो, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म अराउंड लाइक 7 to 8 सीन्स इन अ डे, तो उसमें तो टाइम लग ही जाता है ना। तो फिर एवरी वन वॉज वेरी गुड एट देयर वर्क यार। आई एम इन टच विद लाइक फ्यू ऑफ देम, लाइक रिया आई एम इन टच विद, देन दृष्टि आई एम इन टच विद, एंड हुनर फ्रॉम माई फर्स्ट शो। या सो दीज आर द थ्री। तो इसी बीच में मैं आपको रुकाना चाहूंगा क्योंकि हमारे कुलचे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। आ गए हमारे कुलचे, कहाँ हैं भाई, जल्दी ले आओ। इतने सारे बटर हैं, मतलब इसमें बटर तो थोड़ा सा ही है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए बटर वैसे तो। अच्छा इससे भी ज्यादा होना चाहिए बटर, जो मतलब मजा तो तभी आता है यार। स्पेशल आप क्या डालते हो, मतलब जिससे इतना? आप ये मेन बात बताओ कि ये बात सच है ना कि अमृतसर के पानी में कुछ डिफरेंट है? है ना? चलो देखते हैं, पहला जो पहला निवाला अंदर जाएगा उसके बाद चेहरे का एक्सप्रेशन क्या आएगा। बहुत स्वाद है, सच्ची बहुत स्वाद है। वो कहते हैं ना कि इंसान, कई बार ऐसा होता है ना, इंसान जैसा खाता है वैसा उसका नेचर होता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खा रहे हो, हाँ मतलब रिएक्शंस वैसे नहीं। खाना खाता हूँ, हाँ। मतलब तीखा हो मीठा हो, बट आजकल नहीं, हाँ। अभी तो मैंने अपना डाइट पूरा चेंज किया हुआ है। आई एम ओनली स्टक टू लाइक आई डोंट ईट ब्रेड्स, मतलब नॉर्मली मैं ब्रेड नहीं खाता हूँ। आज तो मैं खा रहा हूँ, डेली रूटीन है उसमें मैं ब्रेड नहीं खाता हूँ। आई हैव ओनली ज्वार की रोटी होती है जो एक, वो एक खाता हूँ मैं एक मील में, एंड देन आई ट्राई टू हैव 1.5 मील्स अ डे। 1.5 तो मेरी एक मील होती है उसमें, वो मील मेरी सिर्फ एक ज्वार की रोटी के साथ होती है, एंड देन 6 to 7 एग बाइट्स जो होते हैं उसका, और एक मील में मेरे सिर्फ ओट्स होते हैं जो मेरी प्री वर्कआउट मील है। ओट्स एंड वो ओट में प्रोटीन डाल के शेक बना के और एक केला डाल के, दैट्स इट। सो ये दो चीज़ मैं दिन में खाता हूँ रोज। मैं सच में ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अगर इतनी स्ट्रिक्ट डाइट अगर मैं करूँ तो मैं आपसे 19-20 ही फ़र्क दिखूँगा। वैसे मैं भी एंड से भी दिखता हूँ, ठीक है? और ये ऐसे ना ऐसे मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है? ये देख लो भाई, सब दिखते हैं, ऐसी बात नहीं। अरे इंसान सुंदर ही है ना ऑब्वियसली, बट ये आपके आपको कितना ज़्यादा सुंदर बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मतलब एंड में आ गया वो पंजाबी तड़का, वो आ ही गया वो हाजिर जवाबी। इसमें अरे आज ना मज़ा ही आ गया वैसे, थैंक यू मुकेश, मज़ा ही आ गया। इसके बाद महाराजा भी आने वाला है, जो उन्होंने कहा आई डोंट नो, नहीं तुसी करते रहो जब तक आ रहे तब तक करते रहो। अच्छा तो इम्पॉर्टेंट एक जो सवाल है ना, पग, यू नो, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब आप वो पग पहनते हो और कोई किरदार परफॉर्म करते हो, है ना? जैसे कि मैंने फर्स्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप, मतलब वैसे तो आपने पूछा नहीं कि अगर मेरी आप लुक के बारे में पूछेंगे कि इसमें मुझे कोई चैलेंजेस आए, तो इस बार मुझे अपनी लुक में ट्रांसफॉर्म करने का कोई चैलेंज नहीं आया। मैंने डिड माय प्रीवियस शो तो उसमें मैंने पगड़ी और ये सारा कुछ इतना ज़्यादा सीख लिया था, उसमें इतना ज़्यादा रिझ गया था मैं कि अब मुझे इस बार ना पगड़ी का कोई चैलेंज था ना कोई और चीज़ का, क्योंकि अब मुझे पगड़ी बांधने के भी आगे 2-3 अलग तरीके आ गए हैं जो हमने इसमें भी ट्राई किया है। कि इसमें अगर जो मेरे पंजाबी दोस्त भाई हैं अगर उनको पता हो कि जो इसमें मेरा लड़का स्टाइल है वो मैंने ऐसे अब घुमा के पिन लगा के डालने की कोशिश की है, तो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई ट्राइड बिफोर। और पगड़ी अपने आप में एक ब्लेसिंग है यार, ये बाबा जी का आशीर्वाद है उनका, इट्स ये डिनोट करती है सिखिज़म को। एंड तो हमारे वैसे भी हमारे रिलीजन में माना जाता है कि अपने सर को ढक के रखो, अपने सिर को ढको, तो ये एक एक तरह का इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव ऑन योर हेड, एंड व्हेन यू आर हैविंग इट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो लाइक हाउ यू आर बैप्टाइज्ड, व्हेन यू आर बैप्टाइज्ड तो बिल्कुल वैसे ही जो पगड़ी पहनते हो, तो यू हैव टू थिंक दैट यू आर अ सरदार, टू हू सरदार्स वर ओरिजिनली,
the saviors, the protectors. So you have to bring that attitude into yourself and spreading love and humanity into the world. That's what it is all about. इसमें सभी चीजें ऐड करके फिर इसको तैयार किया जाता है। महाराजा कुलचे की ऐसी गोल होती है और इसकी ऐसी होती है ओवल में। और सर पनीर पैटी की तरह शेप होती है। हाँ जी, समोसे की तरह पैटी की तरह। पैटी समझ आया ना तुम्हें? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा इसी तरह। हाँ जी, ट्राइंगल द समोसा शेप। क्योंकि हमारे वहाँ पे स्क्वायर वाली पैटी भी मिलती है। हाँ, बॉम्बे में मिलती है। बट आई हैव स्पेंट माय मोर। पैटी की बहुत अच्छी होती है। हाँ, आलू पैटी अगर तुम्हें टाइम मिलेगा ना तो ट्राई करना। आलू पैटीज बहुत स्वाद होती हैं यहाँ की। मुझे मैं मोस्टली मेरा टाइम ना दिल्ली बुरारी में बीता है, निरंकारी कॉलोनी में। वी आर निरंकारी। मैं बुरारी बहुत गया हूँ। हाँ बताओ, क्या करने? क्या करने? कॉमिक्स खरीदने। बुरारी में होती थी ना? हाँ। तो बुरारी में नागरा राज कॉमिक्स का ऑफिस है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, पर वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते थे क्योंकि हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। रॉयल इंसान ही वो महाराजा वाला, यू नो, पराठा खा पाएंगे। अब देखो ये पूरा क्या लगता है, आप खा पाओगे ये पूरा? हाँ हाँ, मेरी बहुत एपेटाइट है खाने को। मैं पूरा खा लूँगा बट मैं खाऊँगा नहीं। डायट खाने को मैं पूरा खा सकता हूँ। अच्छा, आई कैन हैव वन फुल दो लार्ज फैमिली साइज पिज्जास। मतलब वो बहुत हैवी होते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये तो मैं खा ही लूँगा, ये तो कुछ भी नहीं है। कुलचा है वो बहुत डिफरेंट है, बट फिर भी मुझे ये आलू का ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा पसंद आया। मतलब वो महाराजा वाले में मुझे लग रहा है बहुत सारा टेस्ट मिक्स होगा। और मैंने खाया भी हमेशा यही है, आलू वाला ज़्यादा। और बचपन से मुझे यही पसंद है, आलू प्याज। आप जिस तरीके का डाइट करते हो, खाना खाते हो, वैसे बन जाते हो। सो वो कुछ लोग कहते हैं आप जितना तीखा खाते हो आप उतनी तीखी बातें करते हो, आप जितना खट्टा खाओगे उतनी कड़वी बातें आप करते हो। ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कोई आपका फ्रेंड या कोई, या आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया? ऑनेस्टली मैंने ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब अभी भी दिमाग में ऐसे आ नहीं रहा है। हाँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो जिनको जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो उनको मीठी छुरी बोलते होते थे कि मीठी छुरी हैं, मीठी छुरी होती है। मतलब मीठी छुरी एज इन लाइक के ना, जो बड़े प्यार से आपको ना, आपको मतलब लूट ले जाएंगे, लूट लेके चले जाए और पता लेना चले। अच्छा, हाँ। ऐसे भी दोस्त होते हैं ना। पर ये तो नॉर्थ के दोस्त हैं। हाँ, ये तो नॉर्थ की खासियत है ना। नहीं, यहाँ हम, मैं भी हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि ये हम दोस्तों का यही है कि हम आए और भाई मेरे बर्थडे में भी तू ही पार्टी देगा और तेरे बर्थडे में तो तुझे देना ही है। हमारे पास गोल्डन टेम्पल है, और कोई एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जब आप आए अमृतसर गोल्डन टेम्पल, आपने माथा टेका एंड यू गेट, आप वो भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें और क्यों? गोल्डन टेम्पल के साथ रिलेटेड कोई इमोशनल मेमोरी या किसी और गुरुद्वारे? गोल्डन टेम्पल के साथ एक ही सबसे ज़्यादा इमोशनल मेमोरी जुड़ी हुई है। बहुत पहले जब मैं 10th में था ना, तो उस टाइम पे देयर वाज एन एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड इन अ फैमिली, जिसमें मेरे मामी जी थे उनकी डेथ हो गई थी। सो वो एक सिलेंडर फटा था ऐसे, वो कुछ कर रहे थे मतलब किचन के अंदर, तो ऐसे स्पार्क हुआ, सिलेंडर फट गया, ब्लास्ट हुआ था। सो उसमें मेरा जो रियल ब्रदर है उसका नीचे का पूरा पार्ट ना, इट गॉट बर्न्ड। सो उसके लिए हम, मतलब वही एक मेमोरी जिसके कारण, बिकॉज तब हम कंजेकटिवली पता नहीं कितने टाइम तक मैं यहाँ पर, मम्मी आते रहते यहाँ पर आगे प्रे करते रहते, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज थिंग विच हैपेंड। तो यू ऑलवेज गो टू अ प्लेस ना वेर यू थिंक एंड बिलीव कि भाई हाँ, यहाँ से मुझे वो वाली चीज़ मिल जाएगी। सो वो एक मेमोरी है कि जब उस टाइम पे लाइक एवरीथिंग वॉज वेरी डिस्ट्रॉट इन द फैमिली, सब एवरी वन वॉज वेरी सैड। तो वो वाली मेरे जहन में है कि जिस टाइम पे हम यहाँ पर आते थे और मम्मी यहाँ प्रे करते थे, और फिर उसके बाद, बट थैंकफुली लाइक ही गॉट आउट ऑफ इट, बट अनफॉर्चुनेटली माई। अब ना थोड़ा टीवी की तरफ, हम प्रोफेशनल की तरफ आते हैं कि कई सारे ना एक्टर्स को लेके बहुत सारे रूमर्स उड़ते हैं, बहुत सारी गलत खबरें निकलती हैं, तो आप उन चीज़ों को, नेगेटिव न्यूज़ को, ट्रोलिंग्स को, खबरों को कैसे टैकल करते हैं? जी, मेरे खिलाफ़ तो बहुत कम कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, बिकॉज मैं किसी कॉन्ट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैं सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ऐसे, आई एम नॉट वेरी 100% एक्टर। कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में, कुछ घट रहा होता है, तो फिर उसके लिए तो मैं आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उसको पोस्ट करूँ या फिर अपने फैंस के साथ शेयर करूँ।
बट अदरवाइज मेरी तो बहुत कम ट्रोलिंग होती है, जो होती भी है आई मेक श्योर कि भाई सो देर आर पीपल हु हेट यू, देर आर पीपल हु लव यू, देर आर पीपल हु डिसलाइक यू. सो जैसे कि फॉर इंस्टेंस मेरे को सबसे ज़्यादा आज तक जो ट्रोलिंग मिली है वो एक ही टाइम पे मिली थी व्हेन आई एंटर द शो कॉल्ड मधुबाला. टू दिस टाइम दैट शो वाज रियली वेरी पॉपुलर एंड दैट जोड़ी वाज वेरी पॉपुलर एंड समहाउ द प्रोड्यूसर्स थॉट दैट यू नो बिकॉज विबेन आई थिंक डिडंट वांट टू डू द शो और ही हैड सम इशू कि भाई उसको ब्रेक लेनी थी या कुछ करना था. सो दे थॉट कि भाई वी विल ब्रिंग समथिंग न्यू टू द शो. सो देन आई वॉज डूइंग आई हैड जस्ट फिनिश्ड विद माई छलछे और मात वाला शो. तो फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. तो उस टाइम पे मतलब मैंने देखा था कि भाई लोग मतलब एक जोड़ी जब हिट जो हिट हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना एंड टू रिप्लेस करना तो मेरा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं ना. आई वॉज तो कास्टेड शो एंड वॉज अ वेरी गुड शो, आई वॉज अ बिग ब्रेक फॉर मी. तो मेरा वो पर्सपेक्टिव तो था नहीं कि भाई मैं किसी जोड़ी को ब्रेक करूँगा. बट लाइक वेन पीपल स्टार्टेड सेइंग, क्योंकि उस टाइम पे जो मीडिया वेबसाइट्स थी उस टाइम पे इंस्टाग्राम तो था नहीं, मीडिया वेबसाइट्स पे जो कमेंट्स आते थे तो वही सुन सुन के ही मतलब मुझे तब एहसास हुआ था कि मतलब एक जोड़ी जो बनती है उसके अंदर अगर उसके बीच में आ जाओ तो आपको कितनी गालियाँ पड़ती हैं. तो आई थिंक उस टाइम पे मैंने बट आई मेरा तो यार काम था काम करना ना. आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क. सो देर आर पीपल हु डिसलाइक्ड मी. मेरे को बहुत कुछ बोलते थे कि आप प्लास्टिक है, ऐसे देखता रहता है, वुडन की तरह खड़ा रहता है, विवेन अच्छा था, ये था वो था. तो आपको कभी कभी तो इफेक्ट करती है वो वाली चीज़ इनिशियली एंड आई वॉज वेरी न्यू ऑल्सो इन माई करियर. पर उसके बाद फिर धीरे धीरे वो टैकल करनी आ गई. फिर देन यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू इग्नोर दैट पार्ट एंड यू हैव टू टेक द पॉजिटिव पार्ट इन टू यू. तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती है एंड नाउ थैंकफुली ग्रेसफुली आई हैव पीपल हु लव मी अलॉट और वहाँ से मुझे वो पॉजिटिविटी मिलती है, वो एनर्जी मिलती है एंड दे आर माई सपोर्टर्स. अगर कोई ट्रोलिंग भी हो रही होती है तो वही हैंडल कर लेते हैं मेरी तरफ से बिकॉज देन दे नो दे से कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे मोटिवेट मी एंड दैट्स हाउ आई एम जस्ट यू नो गेनिंग माई सेल्फ एंड लाइक रनिंग इन दिस होल हर्ड ऑफ स्ट्रगल्स एंड वेरी टफ इंडस्ट्री टू बी इन. देख रहा हूँ पराठे खत्म हो चुके हैं. अब नाउ वी हैव टू लीव. लेकिन एक आखिरी सवाल कि कभी आपने रिजेक्शन या कास्टिंग काउट जैसी चीज़ों का सामना किया, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं और जब आपने शुरू किया था और आज बहुत कुछ बदल चुका है, कभी ऐसा कोई आपने फेस किया और रिजेक्शन ऐसा जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया? कास्टिंग काउट ऑब्वियसली नहीं हुआ क्योंकि बस नहीं हुआ. उस आई थिंक रास्ते में मैं गया ही नहीं था. सो आई हैड अ वेरी मतलब मैंने जो करियर मुझे मिला वैसे ही बहुत मुश्किलों से मिला बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट माई फर्स्ट शो. इट वॉज अ लॉन्ग 7 to 8 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल हाउ आई एंटर द इंडस्ट्री व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट शो छलछे और मात. एज फार एज रिजेक्शन इज कंसर्न्ड मतलब थैंकफुली अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है कि भाई जो मुझे चीज़ चाहिए और मैं करना चाहता हूँ और वो भी चीज़ मेरे से छूट गई हो. क्योंकि वैसे ही मैं अपना टाइम बहुत लेता हूँ, मेरे को टाइम लग जाता है एक शो से दूसरे शो में आने के लिए और एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में करने के लिए. एंड व्हेन आई थिंक कि भाई और जब मुझे पता लगता है कि यही वाली चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो तभी मैं उसको करता हूँ. लाइक आफ्टर तेरे बिना जिया जाना इट्स लाइक आई टुक अ ईयर्स गैप और उस साल में मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आए थे बट मैंने नहीं किया क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरी ऑडियंस को अच्छा लगता है. और फिर मेरी ऑडियंस को मैं पसंद था कि एज अ सरदार एंड थैंकफुली दिस शो क्लिक्ड फॉर अस एंड जी अप्रूव्ड इट एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड एंड इट्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम टू रॉक देम. शो एक कुड़ी पंजाब की. फिलहाल कुड़ी यहाँ नहीं है, अकेले हैं इसलिए इतनी बातें कर पाएं और मुझे लगता है पराठे भी पूरे खा पाएं अगर वो कुड़ी आ जाएगी. अगर वो कुड़ी आ जाएगी फिर हम देखेंगे कि ये इतनी बातें कर पाते हैं और उनके साथ वो ज़्यादा बोलती हैं ये ज़्यादा बोलते हैं. फिलहाल कैसा लगा हमारे साथ ये आपको ये आप मतलब दिस कुलचाज एंड दिस छोले एंड दिस एम्बियंस एवरीथिंग वाज अमेजिंग. आपकी बातें आपके क्वेश्चंस ये कुलचा ये पूरी बातचीत ये पूरा माहौल यू नो इट्स अमेजिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज आल्सो वेरी पॉजिटिव एंड यू आर वेरी पॉजिटिव. पता लग जाता है तुम्हारी बातों से मुकेश. और ऑफ कोर्स ये कुलचे तो अच्छे थे ही उसके ऊपर, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी ना. एंड दिस एम्बियंस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज माई कल्चर. जब हम ऐसे आते थे तब उस टाइम पे तो देयर वर्नट मैनी ऐसे कोई
ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट से होते नहीं थे ना, मतलब ऐसे ही रेस्टोरेंट होते थे बचपन में, तो यू ऑल्सो मस्ट बी नोइंग दिस, है ना। एंड गाइस आई वांट टू इंटरप्ट कि ये डेट पर भी ऐसे मैं भी जाता था, बिकॉज़ यू गेट दैट टेस्ट फ्रॉम दीस काइंड ऑफ प्लेसेस ओनली, वो जो ऑथेंटिसिटी होती है, है कि नहीं? यू मस्ट बी नोइंग यार, मतलब मैं कह रहा हूं से यस टू विद मी, या यस। सो डिड यू एंजॉय दिस? आई लव्ड इट यार, आई लव्ड इट, हैड अ वेरी गुड टाइम। ये थे अविनेश रेखी, जो जल्द ही नजर आएंगे एक कुड़ी पंजाब में। अब वो कुड़ी कौन है वो ढूंढेंगे, देखते हैं कब ढूंढ रहे हैं कब आ रहे हैं, जैसे भी आएंगे, लेकिन ये इसी अवतार में होंगे, यही मैचोनेस, यही पॉजिटिविटी और यही एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।